गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाय, आई एम प्रिया धर्मेश तिवारी फ्रॉम बेस्ट इंग्लिश स्कूल। टुडे वी आर गोइंग विद सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर अ स्टैंडर्ड सेकेंड। टुडे वी विल डू द रेस्ट एक्सरसाइज इन अ वर्क बुक। इफ यू हैव अ वर्क बुक यू कैन ओपन। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। द सन, एस यू एन सन, हैड सेट यानी कि सूरज जो है वो डूब गया था। द मून, द मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई। लिटिल स्टार्स ट्विंकल ब्राइटली। द पप्पी वॉज सिटिंग near the door in the house। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, house। ये कौन है? पपी, यानी कि डॉगी का जो बच्चा है वो द पपी। द कैट, द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द बेड। Under the bed, suddenly the hen saw a, अब देखिए ये क्या है, dog। जो hen है वो क्या कह रही है कि ये dog है। Run, run, she cried, the dog jumped into the box, the cat ran। अब देखिए इसमें जो है फॉक्स को जो, सॉरी, ये जो कॉक है, हैन है, इसको लग रहा है कि ये डॉग है, बट ये डॉग नहीं है, ये कौन है? फॉक्स है। तो सडनली द हैन सा ए फॉक्स, ठीक है, ये क्या है? फॉक्स। रन, रन, शी क्राइड, द डॉग जम्प्ड इनटू द बॉक्स। आंसर विल बी into the box। The cat ran up the tree, ran up the tree। The hen hid in the basket, kya aega? Basket। The fox looked around, जो है फॉक्स जो है सब चारों तरफ देखता था। ही सा ए पिक्चर, पिक्चर लिखेंगे पी आई टी सी एच ई आर, पिक्चर वाटर यानी कि घड़ा जो होता है। द फॉक्स ड्रैंक सम वाटर एंड लेफ्ट, यानी कि फॉक्स थी उसने जो है इस घड़े में से पानी पिया और जो है वहाँ से वो चली गई। द हैन, द डॉग, द कैट वर हैप्पी, यानी कि हैन, डॉग और जो कैट थे वो क्या हो गए? खुश हो गए थे कि जो है फॉक्स जो है चला गया। लुक, लिसन एंड रिपीट। बी ई डी बैट, एल ई जी लेग, पी ई जी पैक, डी ई एन डैन, एच ई एन हैन, पी ई एन पेन, टी ई एन टेन, जे ई टी जेट, एन ई टी नेट, डब्ल्यू ई बी वेब, के ई जी कैट, एल ई डी लेड। तो राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं तो आप लिखेंगे बी ई डी बैड, एफ ई डी फैट, आर ई डी रेड, आर ई डी रेड, डी ई एन डैन, पी ई एन पेन, टी ई एन टेन, एच ई एन हैन, बी ई टी बैट, बी ई टी बैट। तो आप लिखेंगे एन ई टी नेट, बी ई टी बैट, एन ई टी नेट। फिर क्या आप लिख सकते हैं इसमें? जे ई टी जेट। ओके, आपको जो है ये रैमिंग वर्ड्स लिखते हैं। नाउ
read the sentence of the story and write them in the correct order. ये देखिए हमारी यहाँ पर जो है एक स्टोरी दी हुई है, ठीक है. तो आपको क्या करना है, ये डिसऑर्डर में लगी है, यानी कि जो स्टोरी है वो सब अलग अलग सेंटेंस में अलग पलट के लिख दी गई है. जैसे द आंट साई हंटर एमिंग द एरो एट द डव, है ना. तो आपको क्या करना है, इसको ऑर्डर में लिखना है कि फर्स्ट पहले क्या हुआ. तो देखिए पहले क्या हुआ, वन डे एन आंट फेल इनटू अ रिवर. स्टोरी में जो हमारी दी है इससे सबसे पहले क्या हुआ कि एक दिन एक चींटी जो होती है वो पानी में यानी कि नदी में गिर जाती है. ए डव सॉ द आंट ड्रॉइंग. एक डव जो थे यानी कि जो कबूतर थी वो देख रही थी कि जो चींटी है वो पानी में डूब रही थी. ही थ्रू डाउन अ लीफ. तो जो ऊपर जो कबूतर होता है डव होती है वो क्या करती है, पेड़ से एक जो लीफ यानी कि पत्ते को नीचे फेंक देती है. द आंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ. और जो चींटी होती है वो जो है पत्ते के ऊपर जो होती है वो चढ़ जाती है, ठीक है. तो उससे क्या होता है कि वो डूबने से बच जाती है. द आंट सॉ ए हंटर एमिंग एन एरो एट द डव. अब देखिए क्या होता है, एक दिन थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक शिकारी आता है और वो डव को जो है मारना चाहता है. ही बिट द हंटर्स लेग. तो चींटी को याद होता है कि कबूतर ने एक बार मेरी जान बचाई थी, तो चींटी क्या करती है उस हंटर के पैर में काट लेती है. द हंटर मिस्ड हिज एम. जो हंटर होता है यानी कि जो शिकारी होता है उसका जो एम होता है डब को मारने का वो क्या हो जाता है, उसका जो है सफल नहीं हो पाता है, ठीक है, मिस हो जाता है. द डव फ्लू अवे सेफली. और जो डव होती है वो आराम से जो है उड़ जाती है. तो ये जो स्टोरी है ये देखिए ऑर्डर में है, और ये जो है आपकी जो है ऑर्डर में नहीं, यानी कि जो पहले हुआ वो बाद में, जो बाद में हुआ स्टोरी में वो पहले, ऐसे करके लिखा है आपने. तो आपको इसको क्या करना है, अरेंज करके लिखना है, ओके. तो जो हमारा जू मैनर्स था उसकी जो हमारी एक्सरसाइज थी वर्कबुक में, तो दोनों में क्या हो गई, अब कंप्लीट हो गई है, ठीक है. अब आपको क्या करना है, इसको जो है होमवर्क में करना है. टुडे इट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू फिल दिस एक्सरसाइज, ओके, राइट, ओके. स्टे होम, स्टे सेफ विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन. आई वुड लाइक टू पैक अप.